हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो उन सबके लिए होने वाली है जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को यूज़ नहीं करते हैं और वो प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहते हैं जो कि वेजिटेरियन हो, और वी कैन से बेस्ट वेगन प्रोटीन पाउडर और बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर। सो आज की वीडियो इस पूरे टॉपिक के बारे में होने वाली है कि क्या ये आपकी राइट चॉइस है कि वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर को यूज़ करना ओवर वे प्रोटीन। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है ये प्योर फैक्ट बेस्ड होने वाली है, जो लॉजिकल है। अब ये नहीं है कि मैंने टाइटल दे दिया बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर सो मैं आपको सीधा बता दूंगा कि हाँ आप इस साइट पे जाइए और आप प्रोटीन ले लीजिए। जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं वहाँ पर बचाइए ना। अब मैं क्यों ऐसे करूँगा कि आपको सीधा बोल दूँगा हाँ भाई इतने पैसे खर्च दो प्रोटीन ले लो बात ख़त्म, ये गलत होता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना चाहते हो तो प्लांट प्रोटीन पाउडर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर, वो यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि उसमें एडिड BCAA नहीं होंगे, वो ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसको टाइम लगेगा। बट हमको वर्कआउट के बाद इमीडिएट रिकवरी चाहिए होती है, विद इन 15 मिनट्स 30 मिनट्स तक हमको वे प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। सो प्लांट प्रोटीन और वी कैन से वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। बट हाँ, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो अपनी डे टू डे लाइफ में घर पे ही होम जिम वर्कआउट करते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं, उनके लिए जो प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर है वो बेस्ट है। अब सवाल ये आता है कि वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर और वे प्रोटीन में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों वेजिटेरियन है। जो वे प्रोटीन होता है वो मिल्क से बनता है, और जो वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर है वो पी से बनता है, जिसको मटर बोलते हैं, और सोयाबीन से बनता है, जैसे जो करियाने की शॉप पे मिलती है सोयाबीन, उससे बनता है। और सोयाबीन ज़्यादातर रिकमेंड नहीं होता है बॉयज़ को क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन लेवल वो राइज करती है बॉयज़ में, जिससे कि मेल गायनेकोमास्टिया हो सकता है। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर लेना इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं। और इसके बाद अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते हो तो इंस्टेड कि आप अपनी नेचुरल डाइट पे स्टिक रहो, क्योंकि अपने पैसे वेस्ट क्यों करने यार जब आपके घर पे ही वो चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके घर पे कितने ज़्यादा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं। आप चने खा सकते हो, चिक पीस बोलते हैं जिनको, वाइट चने, ब्लैक चने, राजमा, उसके बाद मूंग की दाल, हाई इन प्रोटीन। अब चने को आप स्प्राउटेड चने खा सकते हो, आपके पास इनफाइनाइट प्रोटीन सोर्सेज हैं। बट अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि आप प्रोटीन पाउडर ख़रीद लीजिए तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये आई थिंक जो वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर होता है ये आई थिंक 2500 से 3000 तक मिल जाता है आपको आसानी से, 2 kg तक। सो इतने पैसे अब अगर आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लगाएं, वेजीज खाएं, जो मैंने प्रोटीन सोर्सेज बताए जो घर पे ही अवेलेबल हैं वो खाएं, तो इतनी नीड नहीं है आपको लेने की और इसका फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। सो बात करनी होती है आपको, मेरे चैनल पे फैक्ट बेस्ड बातें मिलेंगी जो इन रियलिटी भी अप्लाई होते हैं। अब ये नहीं है कि मार्केटिंग के चक्कर में आपको बता दूंगा कि माय प्रोटीन का वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर ले लो, इसका वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर ले लो और आपको एंड में रिजल्ट नहीं आए। सो अगर आपको डे टू डे लाइफ में प्रोटीन इनटेक करनी है, और हाँ एक और डिफरेंस वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर और वे प्रोटीन में, जो वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर होता है उसके 2 स्कूप में 15 ग्राम प्रोटीन होता है, और वे प्रोटीन जो होता है उसके 1 स्कूप में 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना कॉस्टली ले रहे हो। सो रिज़ल्ट सारा एनालिसिस आपके सामने है। अगर आप वर्कआउट करते हैं इंटेंस तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप डे टू डे लाइफ में अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में इनटेक करना चाहते हैं प्रोटीन की, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बट अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप वे प्रोटीन पाउडर ही लीजिए। 1000 रुपये ज़्यादा महंगा होगा बट रिजल्ट भी तो आएगा ना आपको। सो ये सारी डिस्कशन थी इसके बारे में कि बेस्ट वेगन प्रोटीन पाउडर कौन सा होता है, और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर सो आप अमेजन पर सर्च कर सकते हैं। माई प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर, जो पी प्रोटीन भी आता है और उसमें सोयाबीन प्रोटीन भी आता है। सो चॉइस आपकी है। पैसे वे अगर आपको स्पेंड करने, अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास तो बिल्कुल आप ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो घर पे ही आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज हैं, आप उनसे
अपना प्रोटीन पूरे दिन का पूरा कर सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा, अपना पूरा शेड्यूल करना होगा कि कौन सी चीज़ कब खानी है और वो आपके स्टॉक में अवेलेबल होनी चाहिए 24/7। तो आई होप आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर, वीगन प्रोटीन पाउडर ज़रूरी होता है या नहीं होता, एंड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।